जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो जो आपसे नहीं बता रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ इस रीडिंग में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, मन ही मन में लंबी गहरी सांस लेकर उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? अगर जो ऑप्शन आप चुनते हैं किसी वजह से वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन, दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, वो रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी पड़ेगी। तो डियर, आई होप कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनुराशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस के एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है? डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 10 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ अक्टूबर, मार्च, फरवरी, नवंबर, सितंबर और मई हो सकता है। इनके नेम का इनिशियल एम ए आई एल के जी पी डी वाई ओ एफ पी वी, ठीक है? यह इनके नेम का इनिशियल। डियर, हमें ऐसा लगता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके एक्स हैं, ठीक है? इनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इनके साथ आपका सेपरेशन का टाइम चल रहा है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है, और ये सेपरेशन भी इनकी ही बुजदिली, इनकी ही बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, ठीक है? क्योंकि इनके अंदर ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा, या फिर यूँ कहो कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। ये बहुत ज़्यादा जैसे कि अपने आप में जीने वाले व्यक्ति, अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति, अपने अल्हड़पन को इन्जॉय करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे कि अगर आप इन्हें कभी सही रास्ता दिखाओ, कोई सही बात बताओ, तो ये उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, ये उसे समझने के लिए तैयार नहीं, उल्टा आपको सुना देंगे कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शायद ये
परसेंट लोगों के ऐसे ही पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बुजदिली, इन्होंने बेवकूफ़ी कुछ ऐसी की है, देखो या तो इन्होंने किसी और को प्रपोज कर दिया है, ठीक है, किसी और को प्रपोज कर दिया इन्होंने, इधर आपके साथ भी रिश्ते में थे, किसी और के साथ भी ये टाइम पास कर रहे थे, और फिर धीरे 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 ये आपके साथ दगाबाजी करने लगे, फ्लर्ट करते करते किसी और को लेके सीरियस हो गए, और आपके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक थी ना वो बंद कर दी इन्होंने, जैसे कि आपको प्यार देना बंद कर दिया, आपसे बातचीत कम होने लगी, छोटी छोटी बात में आपसे लड़ाई झगड़े करने लगे, आपको नीचा दिखाने लगे, ठीक है। और जैसे कि जब किसी को हमारी ज़िंदगी से जाना होता है तब वो सिर्फ हमारी कमियां तलाश करता है, हमसे लड़ाई झगड़े करने के बहाने ढूंढता है, हमें ब्लेम करने के बहाने ढूंढता है जब उसे जाना होता है हमारी ज़िंदगी से, उसे हमारी अच्छाई दिखती ही नहीं है। तो ये जाना चाहते थे क्योंकि अब ये आपको किसी और के साथ कंपेयर करने लगे थे, इसी वजह से ये बार बार आपसे झगड़ा करते, आपको भला बुरा सुनाते, और ये हमें लगता है कि किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए, ठीक है। दूसरा, शादीशुदा भी हो सकते हैं, शादी भी कर ली हो इन्होंने, ये तो हम पास्ट की बातें बता रहे हैं। करेंटली ये इतना रो रहे हैं, हम आपको क्या बताएं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जिनके पर्सन इस वक्त बहुत ही निम्न स्तर पे, लाइक बहुत लो फ्रिक्वेंसी में, बहुत लो एनर्जी में है। हाँ, क्योंकि कैसे ट्विन सोल कनेक्शन हुआ, आपकी तरफ से टोटली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, इन्होंने इतना कुछ कर दिया है, इतना दर्द दे दिया है आपको, तब भी आप इनको चाहते हैं, तब भी आप इनकी सलामती की दुआ करते हैं, तब भी आप इनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, जब इंसान कभी नाराज़ होता है तो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, लेकिन दिल से वो बातें नहीं होती हैं, दिल से हमेशा आप यही चाहते हैं कि इसे मेरी भी उम्र लग जाए, ये बस हमेशा खुश रहे, ऐसा। अभी तक पता है क्या है, इन्होंने जो गलती की थी ना, ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने भी ऐसा किया था, तुम भी ये कर रही थी, तुम भी वो कर रहे थे, इसी वजह से मैंने ये किया, इस तरह की चीज़ें, जैसे कि चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब कि गलती भी की है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं थे। इनकी ज़िंदगी में जो दर्द, जो दुख इन्हें मिल भी रहे होंगे ना, उसके लिए भी ये आपको ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह सब कुछ हो रहा है, ये तुम्हारी वजह से, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आजकल इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, आजकल इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, आज ये जिस तरह की एनर्जी में है, आज इनकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी फैल गई है, आज ये जितना ज़्यादा स्टक हो गए हैं, इन्होंने मान लिया है कि हाँ ये मेरी गलती थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेता तो शायद आज मैं भी अच्छी सी ज़िंदगी जीता। आज ना जिस रिश्ते को, मान लीजिए अगर किसी के साथ प्यार का चक्कर हुआ इनका या फिर शादी करी, जिस रिश्ते को ये बहुत अच्छा समझ रहे थे, जिस थर्ड पार्टी को ये बहुत अच्छा समझ रहे थे, उसने इन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, और इस वक्त ये इतना बर्डन फील कर रहे हैं, इतना बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि इंसान की जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है, जैसे उसका ज़िंदगी जीने का मन ही नहीं करता। लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी से मन भर गया, इनकी सिचुएशन इस वक्त कुछ ऐसी ही है कि जैसे कि ज़िंदगी से मन भर गया है, और आज ये जिस स्थिति में है, इन्होंने मान लिया है कि किसी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरे अपने कर्मों का फल है, हाँ मैंने गलती की है, इस वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ, अगर मैं वो गलती नहीं करता तो शायद
हम दोनों साथ होते और हमारे बीच बहुत अच्छा बॉन्ड होता और बहुत सारा प्यार होता। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने क्या नहीं किया उस थर्ड पार्टी के लिए, क्या नहीं किया। अब थर्ड पार्टी देखो आप अपने हिसाब से समझ लो, थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ या फिर इनके GFBF या फिर इनकी फैमिली या कोई और थर्ड पर्सन, ठीक है। इन्होंने उस थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, इन्होंने उसकी वजह से अपने बहुत सारे रिश्तों को तोड़ा है। जैसे कि उस थर्ड पार्टी की वजह से ये सबसे बहुत रूड रवैये में बात कर रहे थे, जैसे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, इनको लग रहा था कि इनके हाथ खजाना लग गया है, समझ रहे हैं। बिल्कुल बहके बहके घूम रहे थे, किसी के जज्बातों की इमोशंस की कोई कदर ही नहीं हो रही थी इन्हें। तो इनको अंदर से लग रहा है कि मैंने बताओ उसके लिए क्या नहीं किया। और आज मैं ही रो रहा हूँ, मैं ही रो रही हूँ, आज मैं ही स्टक हो गई। अब ये आपके प्यार को याद कर रहे हैं इस टाइम पे, पता है बहुत ही ज़्यादा जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, चीख रहे हैं, किसी से कुछ बता नहीं पा रहे, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हर तरफ से जैसे लगता है कि नेगेटिविटी आ रही है, हर तरफ से ऐसा लगता है कि बहुत दर्द भरी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं ये, किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा है। अब इनको ऐसा लगता है कि काश मेरे पास ऐसी कोई पावर होती तो मैं ये जो बीच का समय हुआ ना थर्ड पार्टी के आने का और आपके अलग होने का, इस पीरियड को ये डिलीट कर देते, इस टाइम को ये डिलीट कर देते। ये समझ लो कि इतना तंग हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं ये। एक बात और, कुछ लोगों के लिए हम यूँ कहेंगे कि शायद इनका अगर इन्होंने शादी कर ली तो इनका बेबी अभी भी है, इनका बच्चा भी है, ठीक है, कुछ ऐसा भी है इधर। तो अब इतने फंस गए हैं कि ये किधर भी नहीं जा सकते, ये जी भी नहीं पा रहे, ये मर भी नहीं पा रहे हैं। इतना करने के बाद भी, और सुनो, इतना करने के बाद भी वो जो थर्ड पार्टी है ना वो इन पे उंगली उठा रही है, इन पे कई लोग उंगली उठा रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि मैं इससे निकलूं कैसे, जहाँ मैं बंध गया हूँ, बंध गई हूँ, मैं इससे निकलूं कैसे, मुझ पे हज़ार लोगों की उंगलियाँ उठेंगी, ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। एक तो ये चल रहा है, ठीक है, और इस पे आपकी याद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब देखो जितने लोग फिन सोल जड़ने वाले हैं, ठीक है, अगर आपके पर्सन अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और जब भी आप रीडिंग देखते हैं तो उसमें ट्विन सोल जर्नी आती है आपकी, अगर आपको बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और जितनी चीज़ें हमने बताई हैं ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, तो अगर वो परेशान है, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, अगर वो इंसान तड़प रहा है, रो रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में हैं, आप भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको बस ना चाहकर भी उसका ख्याल आ रहा है आपको कि क्यों मैं बार बार वहीं आ जाती हूँ, वहीं आ जाता हूँ, क्यों मुझे बार बार उसकी याद आ रही है, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं किया है, उसने तो कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, कभी इज्जत से बात नहीं की, हमेशा फिजिकल लेवल पर वो मुझसे अट्रैक्ट रही, हमेशा उसको अपने से मतलब रहा, जो चीज़ उसे खुशी दे, जो बात उसे खुशी थे वही उसके लिए सही है, बाकी उसने हमेशा अपना कंफर्ट जोन देखा, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा, ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ कि मैं उसको याद करके रोऊं। लेकिन फिर क्यों मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, नहीं बढ़ पा रहा। आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है अगर, तो आगे जो रीडिंग हम बताने वाले हैं आपको वो डेफिनेटली आपके लिए है। अब देखो ये जो हो रहा है ना इसके लिए आप बहुत यूनिवर्स को इसी वक्त ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करिए, क्योंकि जो इनका एक होता है ना कि साइकिल होता है कर्मा का, उसकी एंडिंग हो रही है ये, समझ रहे हैं। ये जो इन्होंने हरकत की लाइक थर्ड पार्टी के साथ बढ़ गए आगे, आपको दर्द दिया, अब जो इनके कर्मा का साइकिल था ये उसका एंडिंग पीरियड है, ये उसका एंड चल रहा है,
जब कहते हैं ना कि कोई जब दिया बुझने वाला होता तो कितना फड़फड़ाता है वो, क्योंकि वो बुझने वाला है अब। तो अभी जो इनको मिल रहा है, आप तो इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, आप तो इनके लिए हमेशा दुआएं मांगते हैं, लेकिन इनके साथ फिर इतना बुरा क्यों हो रहा है? और इनको इनको दर्द हो रहा है, इनके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको भी तकलीफ़ हो रही है, आप भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब आपको लगता है ये कहाँ की अच्छी बात है, ये कहाँ का न्याय है? तो इनका एंडिंग चल रहा है, इनके कर्मा का वो जो साइकिल है ना, वो ख़त्म होने वाला है, और इसी वजह से इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरा, आपको जो इनकी इतनी याद आ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये आपसे अब टेलीपैथी कर रहे हैं। अब शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो, बद्दुआ नहीं देते पर आप इनसे नाराज़ तो हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, तुमने एक बार मेरे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा, तुमने कभी कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। तो पता है अब ये टेलीपैथी करते हैं आपसे, तभी आपको इनकी इतनी याद आ रही, तभी आप इनके लिए इतना तड़प रहे हो, रो रहे हो, बेचैन हो रहे हो। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि जिस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया, दर्द दिया, आप उसके लिए क्यों रो रहे हो? जानते हैं, एक तो टेलीपैथी कर रहे हैं, दूसरा आपके ऊपर ना महादेव जी की और वहाँ काली की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ये समझ लीजिए। वो कहीं ना कहीं आप दोनों का ना सपोर्ट कर रहे हैं, महाकाली और महाकाल दोनों लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों इनका जो कर्मा है ना, इनका जो ओल्ड साइकिल है, उसे क्लियर कर रहे हैं। वो क्लियर हो रहा है एक तरीके से, उसकी एंडिंग हो रही है, ख़त्म हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। अभी हो सकता है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता, लेकिन जो आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, उसका ही फल है ये कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। जल्दी जल्दी होना मतलब कि सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। पता है अभी इनकी करंट फीलिंग अगर हम आपको बताएं, तो एक तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, अपनी गलती को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये मेरी अपनी कमी की वजह से हो रहा है, हाँ ये मेरी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। दूसरा, पता है जैसे कि अब ये अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं कि यार अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, अगर मैं अपने मतलब हस्बैंड या वाइफ को छोड़ दूँगी, या फिर मैं जहाँ पर भी बंधे हुए हैं कि अगर मैं फैमिली के हिसाब से नहीं चलूँगा तो मुझ पे हज़ार उंगलियाँ उठेंगी, इनको लग रहा है ना। पर ये जो बीच का पीरियड था जिसमें इन्होंने इतना दर्द सहा, उसने कहीं ना कहीं एक हिम्मत दी कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे उससे प्यार है तो मुझे उसके साथ ज़िंदगी जीनी है। यार बहुत हो गया सबके बारे में सोचना कि उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सब खुश रहें, पर कोई ऐसा कुछ नहीं करता जिससे मैं खुश रहूं। जैसे कि आपके प्यार का एहसास होने लगा है। आपको पता है सोशल मीडिया पे ये आपको इस कदर स्टॉक कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, अगर आप कोई भी स्टेटस लगाते होंगे, कोई भी पोस्ट करते होंगे, तुरंत उसको देखते हैं ये कि इसमें मेरे लिए कुछ है क्या, मेरे लिए कुछ है क्या। और हमें ऐसा लगता है कि आप ऐसा कुछ लगा ही नहीं रहे जिससे इनको ऐसा लगे कि मेरे लिए कुछ है क्या। तो पता है एक डर भी है कि क्या उसने सच में मुझे भुला दिया, क्या उसने सच में मूव ऑन कर लिया, क्या वो सच में मुझसे दूर चला गया, मुझसे दूर चली गई। इस तरह की फीलिंग्स हैं इनकी, इस तरह की एनर्जी है इनकी, आपको बहुत याद कर रहे हैं। अभी पता है अभी जो थोड़ा बहुत बाकी है कुछ लोगों के पर्सन के अंदर कि इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, जैसे कि एक्शन लूं कि ना लूं, अपने बारे में सोचूं कि ना सोचूं, और लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ की परवाह करूं कि ना करूं, जैसे कि अभी भी कुछ लोगों के पर्सन हैं कि कन्फ्यूज़न में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि ना आप अपने लिए एक्शन ले पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ छोड़ पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने तो पूरा मन बना लिया है कि भाई वो करना है जिससे हमें खुशी मिले, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, किसी की भी नहीं सुननी, कोई किसी का नहीं होता है, और हर हाल में मुझे एक्शन लेना है, मुझे मेरे प्यार के बारे में सोचना है, जो चीज़ मुझे खुशी देती है। क्योंकि इतने दिनों में इनको पता चला कि ये आपसे कितना डीपली कनेक्ट है,
इतने दिनों में अब इन्हें पता चला। पहले जब थोड़े थोड़े दिनों का आप लोगों का सेपरेशन होता था तब इनको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, पर इस बार इन्हें बहुत फ़र्क पड़ा है। इस बार इन्हें शायद आपने डीपली ये एहसास कराया है कि कितने गलत थे। शायद इस बार आपने इन्हें खोने का एहसास करा दिया कि इन्होंने आपको खो दिया है। क्योंकि इसके पहले जब आप लोगों के बीच कभी बहस हुई और आपने इनको जाने की मतलब इनको छोड़ के जाने की धमकी दी, पर आप कभी गए नहीं। इन्होंने कई बार आपको चीट किया था, ये कई बार किसी थर्ड पार्टी के पीछे भागे थे, आपने एक्सेप्ट किया था। तो क्योंकि आप बहुत प्यार करते थे, आपने हर बार अपना एक अच्छा सा सच्चा सा रूप दिखाया इन्हें। लेकिन इस बार आपने इनको शायद ऐसा फील करा दिया है कि ठीक है तुम नहीं तो कोई और, भले ही हकीकत ऐसी नहीं है, यथार्थ ये नहीं है, लेकिन आपने इन्हें महसूस करा दिया है और वो डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा बैठ गया है। अब इनको पहले खुद कहते थे कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चले जाओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, शायद पहले कभी कहा हो, पर बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। सच बताएं बहुत फ़र्क पड़ता है। ये किस कदर रो रहे हैं आपके लिए हम आपको बता नहीं सकते, बहुत रो रहे हैं आपके लिए। ये जैसे कि किसी ने इनको अंदर से मार दिया है पूरी तरीके से, ना किसी काम में मन लग रहा है, ना कुछ कर पा रहे हैं, बस जैसे ज़िंदगी पता नहीं कहाँ पर आके अटक गई है, कोई दूर दूर तक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, घबराहट सी हो रही है इन्हें। सब कुछ पास्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं कि बस कुछ ऐसा मिरेकल हो कि ना आप कोई शिकायत करो, ना आप उन पर गुस्सा करो, ना आप उनसे कोई पूछताछ करो, ना आप पुरानी बात करो, बस उन्हें गले से लगा लो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ऐसा चाहते हैं ये, क्योंकि आप अगर सवाल जवाब करेंगे ना तो ये इतने शर्मिंदा हैं कि ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं आप, ये उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। जब पहले ये उल्टा आपको ब्लेम करते थे ना, वो ज़माना और था, वो एनर्जी कुछ और थी। लेकिन अभी हमने पहले भी एक बार आपको रीडिंग में बताया है कि अब इनके कर्मा क्लियर हो रहे हैं, इनके जो कर्मों का साइकिल है ना वो एंडिंग की तरफ है, ख़त्म होने की तरफ है, क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो अब इन्हें अच्छी बात क्या होती है, बुरी बात क्या होती है, हार्ट चक्र क्या होता है, सैक्रल चक्र क्या होता है, शारीरिक प्यार क्या होता है, सोल लेवल का प्यार क्या होता है, अब इन्हें समझ में आ रहा है। पहले तो सिर्फ ये जिस्मानी मोहब्बत को ही अहमियत देते थे, उसी को समझते थे, लेकिन अभी अभी समझ रहे हैं ये कि क्या है, और इसीलिए रो रहे हैं। अभी इन्हें समझ में आया कि कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ़ होती है जब हमें ये महसूस हो कि हमारा अपना जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमसे दूर जा रहा है, और अब आप इन्हें पल पल पर एहसास करा रहे हो कि सब ख़त्म हो गया है। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा है, समझ रहे हैं, पर इसमें पता है इसमें डिवाइन यूनिवर्स क्या बताएं, माँ भगवती, महाकाली, महादेव जी, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपके पर्सन का कर्मा क्लियर कर रहे हैं और उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, और उनके अंदर इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि वो हर एक चीज़ को फेस कर सकें, समाज को फेस कर सकें, फैमिली को फेस कर सकें, किसी के बारे में ना सोचे, सिर्फ आपके बारे में सोचे, अपने निस्वार्थ प्रेम के बारे में सोचे, अपने सोल पर्पस के बारे में सोचें। लाइफ पर्पस ठीक है, लाइफ पर्पस पूरा हुआ, अब सोल पर्पस के बारे में सोचें और आपके लिए एक्शन लें। ये आपका अपना मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन है, आपकी अपनी प्रार्थनाएँ हैं, उसी का ये असर है, ठीक है। तो डियर क्या बताएं, जल्द से जल्द आप लोगों का सब अच्छा होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं दीदी आप बहुत समय से कह रहे हो वो आएगा आएगा आएगा। देखो, एक तो जनरल रीडिंग होती है, ठीक है, दूसरा
जब वो आ जाता है तब तो आप हमें नहीं बताने आते। बहुत सारे लोग हैं प्यारे प्यारे जो हमें पर्सनली बताते हैं कि दीदी आज उसका कॉल आया, दीदी आज वो खुद आया, दीदी हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत इंसान के पीछे पड़े होते हैं तो वो क्यों आएगा? जो आपके लिए बना है वो डेफिनेटली आपके लिए आएगा। हर किसी की किसी न किसी के साथ एक जोड़ी बनी हुई है, हर कोई यहाँ पर किसी न किसी के लिए ही आया है। ठीक है, तो अगर कोई आपका है जो आपके लिए बना है तो वो ज़रूर आएगा। जो आपके लिए बना है वो ज़रूर आपको मिलेगा, अगर वो कर्मा की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से आपसे दूर हुआ है। लेकिन जो आपके लिए बना ही नहीं, किसी और के लिए बना है, वो आपको कैसे मिलेगा? अंडरस्टैंडिंग दिखाया करिए, है ना? तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या छुपा रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में क्लियर करने वाले हैं। उसके पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रे, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 25 तारीख, 16 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 7 तारीख, 31 तारीख, 9 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ हो सकता है जून, जुलाई, मार्च, नवंबर, फरवरी। ठीक है, इनके नेम का इनिशियल हो सकता है डी ओ आर एफ एल वी एस टी जी बी एम यू। ठीक है, ये इनिशियल हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। डियर, प्यार बहुत है इधर, लेकिन होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। जो इंसान एक बार नहीं, कई बार दूध में जला हो तो उसे छाछ भी फूंक फूंक कर पीनी पड़ती है कि कहीं मैं इसमें भी ना जल जाऊं। हमें लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो शायद ज़िंदगी में बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं, और अपने अकेलेपन से कौन निकलना नहीं चाहता, ये भी निकलना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी पे भी, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं किसी पर भी। अभी आजकल या तो इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, इनकी फैमिली में, या तो इनकी खुद भी तबीयत ख़राब है। अब देखिए, अगर इनकी तबीयत ख़राब है तो टेंशन वाली बात है, किसी और की ख़राब है तो ये उसको लेके अभी थोड़ा टेंशन में है।
ये ज़्यादा बातचीत कर नहीं पा रहे हैं, इनका ज़्यादा बातचीत करने का मन हो नहीं रहा है। अभी ये पता नहीं किसके लिए बहुत ज़्यादा ही जैसे कि बहुत परेशान हो रहे हैं, जैसे कि उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पता है ये बहुत ही ज़्यादा सादगी पसंद व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ये। हाँ, दिल के बहुत सच्चे बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन थोड़ा सा रूड थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने का नाटक बहुत ज़्यादा करते हैं ये। हाँ, एक बात और है, ये जो भी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि आपको कभी कभी लगता हो कि इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है। अगर रिश्ता टूट रहा हो तो ये मनाएंगे नहीं, अगर रिश्ता टूट रहा हो तो ये झुकेंगे नहीं चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए। एक्चुअली इनकी ज़िंदगी ने इन पर इतने वार किए हैं, इतने वार किए हैं कि अब ये ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना ही नहीं चाहते, अब किसी को पाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना ही नहीं चाहते। इनको लगता है कि बहुत गिड़गिड़ा कर भी बहुत कुछ करके भी मैंने क्या पाया, और अगर कोई मेरे लिए बना है तो चाहे मैं उसे कितना इग्नोर करूं पर वो मुझसे दूर नहीं जाएगा। आजकल इनका जो सोचने विचारने का तरीका है ना, वो थोड़ा ऐसा हो गया है। तो इधर भी हम कहेंगे कि सेपरेशन चल रहा है, इधर भी बातचीत नहीं हो रही है। हमें आपके लिए हम बताएं, आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू है, आप काफ़ी मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, बहुत मस्ती में जीने वाले, घूमने फिरने वाले, बहुत ज़्यादा सोच कर दिमाग ख़राब ना करने वाले, है ना। मतलब कि आप लाइफ को बहुत सीरियस होकर नहीं जीते हैं, आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं, फ्यूचर क्या होगा, पास्ट में क्या था, इन सब की आप बहुत फिक्र नहीं करते। आपने पास्ट से एक शिक्षा ले ली, अब नहीं सोचना, अब आप बस सेल्फ लव करते, खुद को खुश करने के तरीके ढूंढते हैं कि मैं ऐसे क्या करूं जिससे मुझे बहुत खुशी मिले। जिस जगह जाना आपको पसंद है वहाँ पर आप जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जो इंसान आपको पसंद है उससे आप बात करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के भी बनाए रूल्स आप फॉलो नहीं करते। सारे रूल्स तोड़ने के लिए जैसे आप पैदा हुए हैं, आपके घर में भी कभी कभी लोग इस बात को लेके आप पे नाराज़ होते होंगे कि ये लड़की ये लड़का किसी की बात नहीं सुनता, ना मान ना मर्यादा ना जाति ना विचार, कुछ भी नहीं, इसके अंदर फिर सिर्फ मस्ती रहती है, सिर्फ मस्ती। शायद इस तरह की बातें आपको सुनने के लिए मिलती हूँ, आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं हमें लग रहा है, सिंगिंग करना आपको काफ़ी पसंद है, और या फिर आप कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, और या कोई ट्रैवलर हो सकते हैं, या फिर कोई व्लॉगर हो सकते हैं, और हाँ कुछ ऐसा अच्छे एक्टर हो सकते हैं आप। घूमना फिरना एडवेंचर करना बहुत पसंद है आपको, बहुत ज़्यादा, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं ना, ये आपके बिल्कुल अपोजिट, क्या बताएं। जैसे कि एक वो हमने एक रील सुनी थी, मैं जिन्नी वो जिन्ना शांत मैं उन्नी तूफ़ान, वो जिन्ना चुप उतनी लंबी मेरी ज़ुबान, वो ज़्यादा नहीं बोलता और मैं गल्ला दी दुकान। ये रील्स आप कभी सुनना, पता है बस ऐसा ही है कि वो जितने चुप आप उतना ही तूफ़ान हैं, वो जितना शांत आपके पास उतनी बातें हैं, आप बिल्कुल तूफ़ानी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, आज जी लो अभी जी लो कल का क्या पता, कुछ ऐसा। ये मेल कैसे मिला समझ नहीं आ रहा हमें, और जिस तरह से आप थे ना तो ये आपको बचकाना समझ रहे थे, इनको लग रहा था आपको इनसे प्यार हो गया, इन्हें भी आपसे हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ना थोड़ा बचकाना समझ रहे थे
कि अब इसके अंदर बहुत बचपना है और हमारी जमेगी नहीं, बनेगी नहीं, लेकिन आपको इनसे मोहब्बत हो गई, आपको इनसे प्यार हो गया, तो पता है इनके लिए आपने खुद को बदलना सही समझा कि जैसा उसे पसंद है मैं वैसा बन जाऊँगा, मैं वैसी बन जाऊँगी, जो उसे पसंद है मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगा। आपने इनके लिए खुद को बदला भी, बहुत हद तक बदला, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इस रिश्ते में रंग ना आया। मेरे इतने एफर्ट लगाने के बाद जो मुझे पसंद था मैंने एक एक करके अपनी हर चीज़ छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि ये इंसान मेरा होना चाहिए, और ऐसा नहीं किसी स्वार्थ मतलब से, बस पता नहीं क्या है ऐसा जो इसकी तरफ मुझे खींचता है। सच बताएं इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये वाकई कमाल की पर्सनालिटी हैं, आप भी हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही व्यक्तित्व है इनका। ये एक ओल्ड सोल है, काफ़ी मैच्योर सोल हैं, बस आप दोनों ही मैच्योर सोल हैं, बस ज़िंदगी जीने का तरीका अलग अलग है। हाँ, मीरा नाचती है, गाती है, गुनगुनाती है, बुद्ध ध्यान करते हैं, ठीक है, कबीर नाचते हैं, गाते हैं, ध्यान भी करते हैं। आप दोनों एक ही मंजिल के राही हैं, बस तरीका अलग अलग है। एक नाचने से, गाने से परमात्मा को प्राप्त कर रहा है, एक शांत बैठ के ध्यान करने से परमात्मा को प्राप्त कर रहा है। जाना दोनों को एक ही जगह है, दोनों ही ओल्ड सोल है, बचकाना इसमें से कोई भी नहीं है। ऐसे ही आपका जो है ना तरीका, वो ये है कि यार ज़िंदगी जी लो जी भर के। आप ना कृष्ण की भांति हैं कि एक एक पल को एंजॉय करना है, और ये बहुत गंभीर, बहुत शांत, मतलब भर की बात ज़िंदगी ये भी जीना चाहते हैं, लेकिन वही कि इनकी ज़िंदगी ने इनको इतने तजुर्बे दे दिए हैं जो कि उसे गलत तरीके से मान कर बैठे हैं। कि क्या है ना कि पहले भी इनको किसी ने प्यार के सपने दिखाए थे, पहले भी इनको कई लोगों ने प्रपोज़ किया है, पहले भी एक दो लोगों के साथ इनके रिश्ते रहे हैं, और हो सकता है कि ये वीडियो हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या फिर डिवोर्सी हो ये, तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी अच्छी चली नहीं है, और बाद में भी शायद इनकी ज़िंदगी में कोई आया जिसने पहले इनके साथ रिश्ते बनाए, काफ़ी समय तक इनके साथ रहा रिलेशनशिप में, और उसके बाद जब एक्शन लेने की बारी आई तो परिवार का बहाना देके निकल गया वो इंसान कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बात समझो। तो वहीं से ना इनका मन खट्टा हो गया एक तरीके से, दिल दुख गया कि सब टाइम पास करते हैं। थोड़ी वही एनर्जी आपके लिए भी है, तभी तो ये झुक नहीं रहे, तभी तो ईगो में है, एटीट्यूड में है, तभी इनका ये मानना है कि जो मेरा है, मेरे हज़ार बार इग्नोर करने के बाद भी वो मुझसे दूर नहीं जाएगा, और अगर वो मेरे लिए नहीं बना है तो मेरा पूरा जीवन इस प्रकृति को समर्पित है। हमें ऐसा लगता है कि ये कोई अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, कोई अच्छे हीलर हो सकते हैं, कोई रेकी मास्टर हो सकते हैं, मतलब इनका कुछ काम भी ऐसा है जो जैसे कि प्रेम बांटने वाला, दया दिखाने वाला, जहाँ पे ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब किसी के दर्द को देखते हैं, या फिर ये कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, कि इनके अंदर ये बहुत जुनून है कि मेरा पूरा जीवन समाज को समर्पित, मेरा पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित, जैसे कि कुछ भी, मतलब इनका एक बड़ा मिशन है, उस पे चलना चाह रहे हैं कि मुझे जीवन में ये करना है, मुझे एनजीओ खोलना है, कि हॉस्पिटल बनाना है, और मुझे विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, मतलब कि बहुत भावुक हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ये समझ लीजिए बहुत भावुक हो जाते हैं। बस इनको यही लगता है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी प्यार व्यार के चक्कर बर्बाद नहीं करनी है। पर आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये खुद भी फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। पता है इनके ये आपसे भरे छुपा रहे हो सकता है छुपा रहे हो आपसे, ये आपसे शादी तक करना चाहते हैं, हाँ
ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, जैसे कि सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला, ऐसा कनेक्शन। लेकिन वही है कि या तो डिवोर्सी हैं ये, या तो विडो हैं, या फिर ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मन में ऐसी धारणा बनाई हो कि इनको बहुत धोखे मिल गए तो अब ये सिंगल लाइफ जिएंगे पूरी, इन्होंने सबसे बोल दिया कि भाई मुझे शादी ही नहीं करनी, कुछ इस तरह की बातें इन्होंने बोल दी हूँ। तो चाहते तो हैं ये, पर फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ वैवाहिक बंधन में बंधना। कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत समझदारी भी ज़िंदगी को बेरंग बना देती है, इनकी समझदारी अब थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी के रंग छीन रही है धीरे धीरे। ये जितना सोशल होते जा रहे हैं ना, इन्हें उतना ही समाज के तरीके से जीना पड़ रहा है। कहते हैं भीड़ साहस तो देती है, कि भीड़ साहस तो देती है, हिम्मत तो देती है, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। आप जो हो, जैसे हो, आप उस तरह से अपना जीवन नहीं जी पाते हो। आपको फिर पूरा जीवन भीड़ के हिसाब से ही जीना पड़ता है। तो ये कुछ इनका जीवन अब ऐसा ही हो गया है शायद, इसी वजह से आप पे बराबर नज़र है इनकी, आपको बराबर देख रहे हैं। आपको शायद कुछ भला बुरा ज़्यादा बोल दिया है, ब्लॉक कर दिया है, गुस्से में बहुत कुछ कह दिया है, शायद तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, वो नहीं है, सुना दिया है, लेकिन बहुत गिल्ट भी हो रहा है। लेकिन वही है ना, जो इंसान कभी किसी के सामने नहीं झुका, जो इंसान कभी किसी को नहीं मनाता, जिस इंसान का एक अलग ही रुतबा हो, रवाब हो, ठीक है, वो उसके अंदर थोड़ा सा लगता है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों जाऊं उसकी तरफ। यहाँ पे दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही, सच बताएं। यहाँ पे इनका दिल, इनकी आत्मा इस कदर बेकरार है आपके लिए, इस कदर वो चाहती है कि वो ग्रोथ चाहती है। आपको पता है, आप जब से इनको मिले हो ना, जैसे कि ज़िंदगी में रंग आ गए हैं, पहले बहुत बेरंग सी थी, जैसे इनके जीवन में बसंत आ गया है। इनके पता नहीं कितना पुराने पुराने कितने ख्वाब थे, वो जैसे धीरे धीरे पूरे होने लग रहे हैं। पर वही है कि यहाँ पर दिमाग जीत रहा है, यहाँ पर राहु और चंद्र की लड़ाई चल रही है इस टाइम पे, दिमाग और इमोशंस की लड़ाई चल रही है। इनका दिमाग इनके ऊपर हावी हो रहा है। ये अकेले में आपके लिए रो रहे हैं, अकेले में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बार बार आपके सोशल अकाउंट्स चेक करते हैं, कोई नई अपडेट, कोई नई अपडेट, कोई नई अपडेट, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ा सा समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि इस रिश्ते को समाज के लोग कलंकित करेंगे। मैं अब तक अपना जीवन जी चुकी हूँ, जी चुका हूँ इज्जत के साथ, ठीक है, अब हज़ारों लोगों की उंगलियां उठेंगी, हज़ारों लोग उंगलियां उठाएंगे कि लो बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़ी बड़ी बातें करता था, अब इसने ये कर दिया। डर लग रहा है इन्हें, कुल मिला के इन्हें डर लग रहा है, ये समझिए आप। और इसी वजह से जो नहीं है ये अंदर से, फिर भी वो बनने का नाटक कर रहे, फिर भी दिखावा कर रहे हैं, परिवार के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि परिवार को कैसे बताऊंगी, कैसे बताऊंगा, कैसे फेस करूंगी, सबको कैसे फेस करूंगा कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, और इतना ज़्यादा हो गया है कि रहा तो नहीं जा रहा उसके बिना, उससे नाराज़गी है। ये जो नाराज़गी का नाटक मचा रखा है ना इन्होंने, नाराज़ नहीं है आपसे, ये आपसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकते, ये आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इनकी नाराज़गी होगी भी ना, वो पल भर की होगी, ये समझ लीजिए। ये आपसे बहुत लंबे समय तक नाराज़ नहीं रह सकते, लेकिन बस यहाँ पे पता है, यहाँ पे समाज, लोग, इस तरह की चीज़ें, जैसे कि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा इनकी बातों को, इनके इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहा है कि तुम पागल हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और इसी वजह से बेचारे चुप हैं। एक बात और, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है,
तो वो तो एक बड़ा रीज़न है इनके हस्बैंड या फिर इनकी वाइफ अगर किसी अनमैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ना डिवोर्सी है ना विडो है, तो जल्द ही आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करेंगे और जल्द ही आपके साथ शादी भी करेंगे। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इधर एक होने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इधर एक चीज़ इन्होंने महसूस कर ली है कि जैसे पहले जी लिए ना, अब नहीं जी सकते। वो ज़माने चले गए कि सोचे यार पहले भी तो ऐसे ही था, पहले भी तो ऐसी थी, पर तब में और अब में बहुत फ़र्क है। आदत लग गई आपकी, आपकी आवाज़ सुनने की, आपसे झगड़ा करने की, आपसे डेली डेली बात करने की, बहुत सारी चीज़ों की आदत हो जाती है इंसान को, और फिर वो उस आदत को छोड़ के नहीं रह पाता। फिर वो चाहता है कि वही हो, फिर चाहे उसके लिए किसी भी हद को क्यों ना पार करनी पड़े, समझ रहे हैं? तो ये इनके मन में इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं कि आपके लिए हर हद को पार करना चाहते हैं, हर हद से गुज़रना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ चाहते हैं। अब आप थोड़ा सा, हम देख रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो गया है, पर आप भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, मेरे रिश्ते में जो नेगेटिविटी है या फिर उसके अंदर जो इतना ज़्यादा समाज को लेकर बातें हैं वो ख़त्म हो जाए। बस आप ईश्वर से यही प्रे कर रहे हैं कि हमारे बीच जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएं, हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो। काश हम एक हो जाते, कितना अच्छा होता। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। बहुत प्यार करते हैं आपसे और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। बस हमने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो अभी बात ना करने का जो मेन रीज़न है वो है इनकी तबीयत ख़राब है, या फिर इनके परिवार में किसी वृद्ध महिला की तबीयत ख़राब है। इनकी माँ हो सकती हैं, कोई भी माँ हो सकती हैं, और कोई हो सकता है जिसकी अभी केयर टेकिंग में है, ये ध्यान रख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। और दूसरा, थोड़ा सा सूनापन, तन्हापन, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप आए ज़िंदगी में इसके लिए ईश्वर को आभार भी व्यक्त करते हैं। आपको बता के नहीं करेंगे, आपसे कहेंगे नहीं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए मन में ग्रैटिट्यूड रखती हूँ कि तुम आए, ठीक है, लेकिन आभार तो व्यक्त करते हैं आपके आने का, और आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ना सुलझे हुए, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, ये समझ लीजिए। अब हमें नहीं पता कि कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, कितने लोगों के पर्सन हैं ऐसे, कितने लोग किसी ऐसे कनेक्शन के लिए देख रहे हैं जो बहुत 8-10 साल, 5 साल, 6 साल पुराना नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, कुछ ऐसा पुराना रिश्ता है ये, ठीक है। लेकिन ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है, बहुत सोल लेवल पर है। बस ये जो पर्सन है ना, ये अभी आपके प्यार को थोड़ा सही से नहीं समझ पा रहे जितना सही से समझना चाहिए इनको, पर फिर भी आप हार मत मानना। हमारी आत्मा कहती है कि आज नहीं कल इन्हें समझ में आएगा कि आप सबकी तरह नहीं हैं, आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप इनका हर हाल में साथ देंगे, ठीक है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।